कितनी सुंदर रोटी बनाई है इस बेटे की मम्मी ने। नहीं, इसकी दादी ने बनाई है। दादी ने बनाई है? मम्मी से नहीं बनवाता, रोता है। अच्छा, दादी से नहीं बनवाता, सॉरी दादी से बनवाता है क्योंकि रोता नहीं है। क्यूटू आज लास्ट डे है, कट रहे हैं बाल, हो रहा है मुंडन, आर यू एक्साइटेड? यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हर्षित शर्मा। हमारे नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ी में हैं इस वक्त हम, पीछे नील बैठा हुआ है और नवरात्रे चल रहे हैं। मम्मी कह रही है नवरात्रे चल रहे हैं पीछे से, तो हैप्पी नवरात्रे, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। देखिए जी, आज का वीडियो और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। कोई बर्थडे वर्थडे नहीं है, कुछ एनिवर्सरी नहीं है, आज नील का मुंडन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और पहली बार जो है उसके आज बाल कटने वाले हैं, फर्स्ट मुंडन है, तो हम दो लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। और जा हम कहीं दूर नहीं रहे हैं, दिल्ली में ही जा रहे हैं, कालका टेंपल, कालका जी, कालका माता जी का मंदिर, तो वहां पर हम जा रहे हैं। तो बस अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, घर से निकल रहे हैं। इस वीडियो में मैं सारा कुछ दिखाता हूं आपको, और हमारे साथ आप भी जो है इंजॉय कीजिएगा नील का मुंडन की सेरेमनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी गाड़ी चलाता हूँ मैं और आगे मिलता हूँ आपसे, बाय। ये हम पहुंच गए हैं अभी मूलचंद फ्लाईओवर, और यहाँ से राइट लेंगे हम कालका जी के लिए। तो आज ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ईद होने का काफी फायदा हो गया है, तो ईद है इस वजह से ट्रैफिक कम है। जल्दी पहुंच गए हैं, टाइम पे पहुंच जाए बस वहां पर। अब देखते हैं वहां पर कितना टाइम लगता है पहुंच के। तो ये देखिए, इतना अंदर आकर के ना, यहाँ जाकर के ये मिट्टी के ढेर के पास फाइनली मुझे मेरी गाड़ी की पार्किंग मिली है। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं। ये है कालका मंदिर की पार्किंग गाइस, देख सकते हैं आप, अभी सब जगह मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, और धूल उड़ रही है पार्किंग में। और फाइनली मुझे देखिए, ये है मेरी गाड़ी, यहाँ पर मुझे आकर के मिली है पार्किंग, तो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी लगाई है। बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके की जगह है, ऐसी सी पार्किंग है। बिल्कुल मंदिर को क्रॉस करके, मंदिर से सीधा आगे जाएंगे ना मेन रोड पे आप आएंगे, तो मंदिर को क्रॉस करके उसके बाद है पार्किंग। ये आप देख सकते हैं पूरा इस तरीके का है, यहाँ से लोग जा रहे हैं मंदिर, यहाँ से जाने का रास्ता बना हुआ है। अब बाहर रोड पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अंदर से भी जा सकते हैं। और रुचिका और मम्मी ऑलरेडी जा चुके हैं, मैंने उनको गेट पे उतार दिया था, तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से फाइनली। पहले तो धूल से बचते हैं, धूल बहुत उड़ रही है। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ से पार्किंग से बाहर निकलेंगे। जैसे ही आप पार्किंग से, मेन गेट से बाहर नहीं निकलना, यहीं से रास्ता देखिए यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से आप मंदिर जा सकते हैं। प्रसाद वगैरह लेना है तो यहाँ रास्ते में आप ले सकते हैं प्रसाद, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अभी यहाँ से मैं जाने वाला हूँ। ये देखिए गेट ऐसा है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक का जो गेट है, वो तीन नंबर गेट है ये। और यहाँ से देखिए सामने इधर जो है मंदिर में जाने का रास्ता है, तो यहाँ से तीन नंबर गेट से मैं अभी मंदिर में एंटर करूंगा। सामने देख रहे हैं यहाँ पर जाना है मुझे, दोनों तरफ यहाँ पर मार्केट लगी हुई है। खाना पीना चाहते हैं आप, प्रसाद खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं यहाँ पर।
जगह जगह जो है शॉप्स बनी हुई हैं। चप्पल जो है अगर आप जहाँ प्रसाद लेंगे चप्पल वहीं उतार सकते हैं, वरना चप्पल उतारने की जो है सुविधा अंदर भी होगी। मैंने भी अभी तक अपनी चप्पल जो है नहीं उतारी है, तो अंदर जाकर के ही मैं देखता हूँ कहाँ पर है चप्पल उतारने की सुविधा। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हैं। एक जोड़ी के 5 रुपए लिखा है यहाँ पर, और यहाँ से रास्ता है मंदिर जाने के लिए, तो अब मैं इस रास्ते से जाने वाला हूँ। चप्पल मैंने उतार लिए हैं अपने, गर्म हो रहा है फर्श काफ़ी, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है दिल्ली में, गर्म गर्म फर्श पे चलना पड़ रहा है। देखिए इस तरीके का रास्ता है, यहाँ से आप मंदिर पहुँच जाएंगे। तो पहुंच गए हैं हम तो एटलीस्ट मिल गए हैं, बाकी अभी पहुंचे नहीं हैं सब, और नील भी वेट कर रहा है। लास्ट टाइम देख लो इसके लंबे लंबे बाल, क्योंकि उसके बाद अभी मुंडन हो जाने वाला है। नील आपका मुंडन हो जाएगा बेटे, है ना, ये बाल सब कट जाएंगे। देखो आज कितनी सुंदर चोटी बना के आया है बेटा, कितनी सुंदर चोटी बनाई है इस बेटे की मम्मी ने। नहीं, इसकी दादी ने बनाई। दादी ने बनाई है, बनवाता रोता है। अच्छा, दादी से नहीं बनवाता, सॉरी दादी से बनवाता है क्योंकि रोता नहीं है। क्यूटू आज लास्ट डे है, कट रहे हैं बाल, हो रहा है मुंडन, आर यू एक्साइटेड? यस। मुंडन के लिए तैयार है नहीं। Okay.
आप बाल जरा सी नील ये देखो नील नील कपड़ों पे लग जाएगा भी थी दूर से यार कुछ नहीं है मेरे बेटे कुछ नहीं सो फाइनली मुंडन हो गया गाइस, ये देख सकते हैं आप। नील बहुत रो रहा है, नील बहुत रो रहा है और पार्किंग जो है बहुत दूर है। हम पार्किंग जा रहे हैं दोबारा वॉक करके यहाँ से। अंदर अच्छी खासी भीड़ थी ना, बहुत रश है, बहुत दर्शन तो हुए ही नहीं है, दर्शन तो हो नहीं पाए हैं, बस फटाफट से करा लिया हमने मुंडन। चलिए अभी दोबारा पार्किंग में मिलता हूँ मैं। सो गाइस वेलकम बैक, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी में, बैठ गए हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था, रश बहुत है, नवरात्रि चल रही है तो सारी माता रानी का एक्सपेक्टेड था, ये तो मैं बता ही था, तो भीड़ होती है, तो इन जनरल वही भीड़ है, बट ठीक है, हो गया टाइम से हमारा काम। बट जो हमारा काम था, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, वो नील का मुंडन, वो बहुत अच्छे से हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत फटाफट हो गया। बल्कि गाड़ी पार्क करने में ज्यादा टाइम लगा, मिलने में और कोऑर्डिनेट करने कोऑर्डिनेशन में ज्यादा टाइम लगा, हाँ, क्योंकि भीड़ बहुत है नवरात्रि की वजह से। अदरवाइज मुंडन का काम जो है वो फटाफट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और बाकी बहुत अच्छा रहा। आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच हमारे इस इम्पोर्टेंट फंक्शन कह लें या सेरेमनी कह लें या इवेंट कह लें, इसमें हिस्सेदार बनने का। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, और अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया है घर जाने का और घर जाएंगे अभी हम कुछ खाते हुए, तो देखते हैं अगर मैं कुछ वहाँ शूट कर पाऊंगा तो जरूर करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।